अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपको होममेड वैक्स बनाना बताऊंगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको वैक्स पर रिव्यू दिया था, जो मैंने मार्केट से वैक्स बाय की थी और होममेड वैक्स पर। तो जो होममेड वैक्स थी वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है और बजट फ्रेंडली भी है। अगर आपका सैलून है या आप घर में ट्राई करना चाहते हैं तो आप होममेड वैक्स बना के अपनी वैक्स कर सकते हैं ईजिली, घर में भी आपकी हो सकती है। तो इस वैक्स को बनाना बहुत ही आसान है। मैंने एक बड़ा कॉफ़ी मग लिया है, उसको भर के मैंने एक शुगर का दिया था और एक ही कप जो है मैंने वो वाटर का दिया है। अपने सेम रेशो के साथ चीनी और पानी को लेना है, दोनों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। जब चीनी जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो आपने उसमें लेमन जूस ऐड कर देना है। यहाँ पर 7 to 8 लेमन जूस किए हैं हमने इतनी सी वैक्स के लिए। एक मग जो है वो शुगर है, उसमें हम 7 to 8 जो है वो लेमन जूस ऐड करेंगे और लेमन जूस आपने अच्छे से स्ट्रेन करके फिर इसको आपने यूज़ करना है। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको कुक करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना। और इसमें आपने चम्मच हिलाते रहना है। और आपने बर्तन इसके लिए कोई ऐसा लेना है जो पुराना बर्तन हो, आपने नॉन स्टिकी पैन नहीं लेना। आप इस पैन में बनाएंगे तो आपका पैन भी जो है वो ख़राब नहीं होगा, अदरवाइज नॉन स्टिकी पैन जो है वो वैक्स बनाने से अक्सर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी वैक्स बन के तैयार हो गई थी। इसने कम से कम भी हमारे जो टाइम दिया है इसने 20 से 25 मिनट लिए हैं वैक्स बनने में। तो हमारी यहाँ पर वैक्स बन के तैयार हो गई थी। आपने इसको चेक कैसे करना है, आपने इसको थोड़ी सी वैक्स को हैंड पर लेके आपने देखना है कि उसकी स्टिकीनेस को चेक करना है, जैसे कि वीडियो में आपको दिखाया है उस तरीके से हमने चेक करके। तो अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको किसी और बर्तन में फ़ौरन से निकाल लेना है, क्योंकि पैन में अगर वैक्स पड़ी रहेगी तो फिर वो मज़ीद कुक हो जाएगी। और कोल्ड होने के बाद कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी बनकर तैयार होगी। आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा आप होल्ड करके थोड़ा सा गर्म पानी में इस कंटेनर को रख दें तो ये सॉफ़्ट हो जाएगी। लेकिन समर में तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। विंटर में आप इसको थोड़ा सा गर्म पानी में और इसके कंटेनर को रख दें तो ये सॉफ़्ट हो जाएगी। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन काफ़ी स्मूथली और ईजीली हो जाती है। तो ये विंटर है इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर आपको हार्ड लग रही होगी, लेकिन अगर इसको आप थोड़े से गर्म पानी में रख देंगे तो ये सॉफ़्ट हो जाएगी, ईजीली इसकी एप्लीकेशन भी हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी कर दें। और ये आप इसको रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रिप लगाने के बाद कि कितनी क्लीन आपके 99% हेयर जो हैं वो रिमूव कर देती है। आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से हमने वैक्स बनाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।